अब आप देखोगे कि पैराग्राफ राइटिंग में, बोले तो अनुच्छेद लेखन में, अब आपके एग्जाम में महात्मा गांधी से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे महात्मा पुरुष हैं, है ना जी, बापू हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जीके और बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। हम लोग खोट्टा में पैराग्राफ राइटिंग पर फोकस करने का काम करेंगे। महात्मा गांधी सहित मतलब सत्य, अहिंसा अहिंसा आर और प्रेमिक पुजारी हलत, प्रेम के पुजारी थे हलत थे। वो गरीब और हरिजन गुलाक भगवान हलत, गरीब और हरिजन के बोले तो दलितों के, जो हरिजन को क्या दलित पहले बोला जाता था, ठीक है, और गांधी जी के द्वारा ही इन दलित को हरिजन नाम दिया गया। जब देखोगे भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहाँ पर एक 1933 में एक कार्यक्रम आया था अछूतो द्वार, अछूतो द्वार बोले तो अनटचेबिलिटी। उस समय आप देखोगे गांधी जी ने आकर, उस समय आप देखो गांधी जी ने आकर दलित वर्गों को कहा कि कौन कहता आप दलित हो, आप तो हरिजन हो, हरिजन हरि, हरि मतलब विष्णु, जन मतलब लोग, आप विष्णु के लोग हैं। नहीं तो ये कब की बात है, 1933 की बात है। गांधी जी आजादी युद्धेक जीतल वीर हलत, है ना, तो गांधी जी आजादी के लिए आप देखो क्या है, ये अयोध्या मतलब योद्धा थे, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अजय योद्धा थे, जीतल वीर हलत, है ना, उस ओभे धार्मिक आदर करे हलत, वे सभी धर्म के ऊ शोभे धर्मे, वे सभी धर्मों के आदर करते थे, समाजे शांति और बेश भावनाक ऊ अगवा हलत, तो समाजे समाज में शांति और बेश, बेश मतलब अच्छा, है ना, बोले तो सद्भावना के क्या थे, तो अगुआ थे, हमेशा शांति पर फोकस करने का काम करते थे, मतलब कहते थे जो काम शांति से हो सकती है वो अशांति से पॉसिबल नहीं है। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869, बछरे बछरे मतलब बछवाने, वर्ष वर्ष साल, है ना, ईस्वी, ठीक है, बछरे गुजराते परोबंदर, पोरबंदर ना जी, परोबंदर नावे मतलब नाम जगहाय भेले हले। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 साल को ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नाम जगह में हुआ था, भेले हले। उनखर बापेक नाम करमचंद गांधी और मावेक नाम पुतली बाई हले। तो उनके पिताजी का नाम, नाम देखे नाव करमचंद गांधी और मायक नाव, माए के मम्मी का नाम पुतली बाई था, ठीक है जी। इनके बाप, इनखर बाप राजकोट के दीवान हलत, तो गांधी जी के पिताजी कौन थे, राजकोट के दीवान थे, और माए एगो धार्मिक जनी हलत, गांधी जी के जो माँ थी वो एक धार्मिक जनी बोले तो महिला थी। गांधी जी के गिदरेक जिंदगी सुखे सुखे पोरबंदर पार भले, है ना, तो आप देखो गांधी जी के जो बचपन की जिंदगी जो है, मतलब बचपन वही बोले गिदरेक जिंदगी, मतलब बचपन जो है गांधी जी का बचपन वो क्या हो गया, बहुत अच्छे से पोरबंदर में बीता व्यतीत हुआ। इनकर पहिल शिक्षा पोरबंदरे भले,
इनकर पहिल शिक्षा, उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ भैया? पोरबंदर में ही हुआ। पढ़े लिखे में ई एगो तनी मनी बुधगर छुआ हालत याद रखेंगे। तो पढ़ने लिखने में ये साधारण छात्र थे। 13 बछरे उम्रे उनखर बिहा भई गेल हलै। वाह, तो गांधी जी का जो 13 साल के उम्र में ही उनका शादी हो गया था, विवाह हो गया था। 1877 बछरे ई मैट्रिक परीक्षा पास कर लत है ना जी। तो आप देख सकते हो, तो सोचिए 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ, 13 साल में उनका शादी हो गया, मतलब आप देख सकते हो 1882 में है ना जी, 1882 में इनका विवाह हो गया, मतलब ये जन्म और विवाह। 1887 में ये मैट्रिक का परीक्षा दिया जी, 10th का एग्जाम दिए, ठीक है। तो बछरे ही मैट्रिक एक परीक्षा पास कर, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो 13 साल या 5 मतलब 18 साल में मैट्रिक पास कर लिए नहीं। एकर बादे 1888 बछरे अर्थात 1888 साल में बछरे उ वकालत पढ़े खातिर इंग्लैंड चल गला। सोचिए, मतलब ये मैट्रिक पास करने के बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। तो बताइए, अब देखिए बहुत सारे जीके टर्म भी देखने को मिल रही कि नहीं। तो इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए कब गए? 1888 में। कब मैट्रिक पास हुआ? 87 में। कब शादी हुआ? 1882 या 13 साल की उम्र में। 1891 बछरे उ वकालती काम शुरू कर ला, सोच लीजिए है ना जी। मतलब पहले का मैट्रिक पढ़ाई बहुत बड़ा पढ़ाई होता था, मैट्रिक कर लिए मतलब आप ग्रेजुएशन कर लिए नहीं। और आप देखोगे 91 में क्या हो गया कि वे इंग्लैंड में वकालती करना शुरू कर दिए, ठीक है। 1891 में वो वकालत करना शुरू कर दिए, ठीक है। यह समय गुजरात एक एगो, तो देखिए ये 1891 में आप देखोगे जबकि वकालत जब पूरी कर लिए, तो वकालत का काम कहाँ से शुरू किए थे? तो मुंबई से, मुंबई में वकालत का काम आरंभ कर दिए, ये याद रखने का काम करोगे, ठीक है। यह समय मतलब इसी समय गुजरात एक एगो व्यापारी केस है ना जी। तो गुजरात के एक व्यापारी का केस दक्षिण अफ्रीका टाइम चल रहा हलै। तो आप देखो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, गुजरात का ही व्यापारी था, दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। गांधी जी ओकर केस्टा लड़े के लिए दक्षिण अफ्रीका गेला। तो गांधी जी उसका मुकदमा लड़ने के लिए कहा गए, दक्षिण अफ्रीका गए है ना जी। हुआ मतलब वहां उनखर उनका अंग्रेज गुलाक अत्याचार सहेक पड़ल। वहां पर वो अंग्रेज लोग का अत्याचार उनको बहुत झेलना पड़ा, ट्रेन से फेंकवा दिया गया, फर्स्ट बोगी टिकट बोगी में नहीं बैठने दिया गया, टांगे में अंग्रेज लोग अगर बैठे तो वहाँ उस समय भारतीय कोई नहीं बैठ सकते हैं, बहुत तरह का अत्याचार देखले पड़ल वहाँ दक्षिण अफ्रीका टाइम। उ अंग्रेज गुलाय जुलुमे जवाब बगैर मार पिटेक दलत, मतलब वो अंग्रेज लोगों का जवाब, जुल्म का जो जवाब है बिना बगैर बिना मारपीट के दिया। बिना मारपीट बोले तो बिना अहिंसा का विरोध किया, ठीक है, जवाब दिया। तो बगैर मारपीट मतलब बिना अहिंसा का है ना, मतलब बिना हिंसा का है ना, अहिंसक के रूप में दिया। एकर बाद उ फिर भारत घूर एलत, उसके बाद फिर वो गांधी जी भारत आए। अशोक सत्य कब आए गांधी जी भारत? 1915 में गांधी जी कब गए थे? शायद 1893 में गए थे जी दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 में, मतलब जी कितना साल, 17-5-22 लगभग प्रॉक्स, ठीक है। हिया आई के गोटे भारत घुरला आर हिया के लोग गुलाक खराब जिंदगी के देखला, खराब जिंदगी के देखला। तो सोचिए बाहर जाने के बाद ही लोगों को दिखता है कि जिंदगी क्या होती है, नहीं तो जब वो आए पूरे भारत घूमे और यहाँ पर लोगों का खराब जिंदगी दुर्दशा को देखा, वो अंग्रेजिक अत्याचारिक देखला और उनखर ऊपरे झगड़ाक और मतलब आर कर देला, नहीं जी उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार को देखा और उनके विरुद्ध उनखर ऊपरे झगड़ाक और कर देला, मतलब विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। गांधी जी लड़ाई झगड़ा खातिर 3 हथियारे प्रयोग कर लत, है ना जी। तो गांधी जी क्या है, लड़ाई के लिए 3 शस्त्र का प्रयोग किया। सबसे बड़ा शस्त्र गांधी जी का सहित अहिंसा और प्रेम, सत्य अहिंसा और प्रेम। ओ ई हथियारे जोरे कई गो आंदोलन कर लत, है ना जी। तो आप देखोगे कि वह इस हथियार जोरे कई गो आंदोलन कर लत। उन्होंने इन 3 शस्त्रों के द्वारा कई आंदोलन को किया। उनकर बाटले करल गेल प्रमुख आंदोलन ई रकम हले। तो उनके द्वारा, है ना, उनकर बाटले मतलब उनके द्वारा जो भी प्रमुख आंदोलन किए गए इस प्रकार थे, ई रकम हले, ई रकम हले, इस प्रकार थे 1919 बछरे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, 1930 बछरे नमक सत्याग्रह और 1942 बछरे भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ई कॉर्निश गुलाले अंग्रेजी सरकारे नेव हिल गयल। गांधी जी आप देखोगे जो ये सब कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, इस प्रयास से अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई, है ना जी। अंग्रेजी गुला भारत के आजादी करेक में आपन भलाय बुझलत, याद रखेंगे नहीं। तो अंग्रेजों ने भारत को क्या है, आप देख सकते हो कि भारत आजादी करेल में मतलब स्वाधीन करने में, स्वतंत्रता दिलाने में आपन भलाई बुझलत, अपनी भलाई समझा, मतलब मेरा भलाई बस यही है, मतलब वो काम ढूंढ लिया भैया, मेरा उद्देश्य अपने देश को आजादी दिलाना। आखिर टाइम 1947 बछरे भारत का आजाद भई गले। और आखिर आप देखो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, नहीं भारत आजाद तो भई गल मकीन, भारत आजाद तो हो गया लेकिन ई दू टोनाय भई गल, ई दू टोनाय भई गल, या 2 भागों में बट गया भारत और पाकिस्तान। गांधी जी ई कांडले एकदम कोस्टाय गेला। तो ई कांडले मतलब कांड बोले थे घटना, इस घटना से काफी दुखी हुए, को चोट के रह गए कि देश तो आजाद हुआ लेकिन हम 2 भागों में बट गए। एह सोभे माझे 1948 बछरे सांझे अपन जीवन त्याग देला। और आप देखो अंततः 1948 ईस्वी के शाम के अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन यहाँ पर तो कहना गलत है, है ना जी, यहाँ पर है ना। तो आप देखो कि 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई और अंततः हे राम करते हुए अपने प्राण हुए को स्वतंत्र कर दिए, त्याग दिए। ई रकम गांधी जी 1916 बछर ले 1947 बछर तक, है ना, मतलब इस तरह 1916 से लेकर, क्योंकि 1915 में आए थे ना जी, और 1916 से उनका काम स्टार्ट हो गया,
तो 1916 से 1947 तक भारतीय आजादी युद्ध के चलवल है ना जी, भारत की स्वतंत्रता आजादी युद्ध मतलब स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। वो एगो बेस विचार करवैया है ना, बेस विचार करवैया मतलब अच्छे विचार वाले, आर सोबले बेस समाल सुधरवैया है ना जी, और एक समाज सुधारक थे। उनखर बाटले देल गेल सिख आयसो हमने जिंदगी के आलो दे है, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है, उनखर बाटले देल गई शिक्षा सिख शिक्षा आयसो है ना जी, मतलब यहाँ पर आज आयजो भी बोलते हैं, हमने हमारे जिंदगी को क्या किया कि आलो देल है मतलब प्रकाशित कर दिया। और आप देख सकते हो तो पूरी तरीके से गांधी जी से रिलेटेड आपने खुट्ठा में पैराग्राफ पर फोकस करने का काम कर दिया। ठीक है जी, लिख दोगे तो प्रैक्टिस का जरूरत है जी, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप हिंदी में ही लिखते हो, हिंदी में लिखिए फिर खुट्ठा लिखिए, वैसे ही कीजिए दो बार चार बार पाँच बार, फिर डायरेक्ट खुट्ठा लिखना स्टार्ट कीजिए। जो बोल रहे हैं डेली करोगे तब मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट।